हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने बहुत ही टेस्टी स्वीट डेजर्ट। आप एक बार जब इसे खाएंगे तो आपके मुंह से स्वाद जाने वाला नहीं है, इतना टेस्टी और लाजवाब बनता है। पसंद आए तो प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट और एक लाइक देना ना भूलिए। आप देख सकते हो कितना क्रीमी बना है और कितना टेस्टी। इसको थोड़ा ठंडा करके खाए, बहुत ही कमाल का टेस्ट देता है दोस्तों। वाव, देखने में इतना सुंदर लग रहा है, खाने में तो कमाल का टेस्ट आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। यहाँ पर हमने करीब 1 किलो के करीब दूध लिया है। दूध मैंने लिया है फुल क्रीम। इसको यहाँ पे हमने गैस को हाई फ्लेम पे करा हुआ है और इसको दूध को उबलने देंगे। हल्का सा दूध को हमें काढ़ना है, थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। थोड़ा सा जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो हम एक कटोरी में 3 से 4 चम्मच दूध निकाल लेंगे। अभी हल्का सा ये दूध गर्म हो चुका है तो अब हम ये दूध निकाल लेते हैं। करीब 4 चम्मच के करीब हमें ये दूध निकालना है। गुनगुना दूध होना चाहिए। इतना दूध हम निकाल लेते हैं। अभी इसको हम यहाँ पर साइड में रख देंगे और इसको चलाते रहेंगे। हल्के से इसके साइड में जो मलाई आएगी उसको भी हमें हटा देना है। 1/2 कप के करीब हम इसमें चीनी डालेंगे। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ी और क्वांटिटी इसमें बढ़ा सकते हैं। बहुत ही कमाल की और टेस्टी ये रेसिपी बनती है दोस्तों। खाने में बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर अपना प्यारा सा कमेंट डालिए। यहाँ पर हमने 1/2 कप लिया है वेनिला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा गुठलियाँ पड़ने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा गुनगुना दूध ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ये चिपक गया है तो इसमें डालकर वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इसी में हम इसको डाल देंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। आप देख सकते हो बिल्कुल भी इसके अंदर गुठलियाँ नहीं हैं। इस तरह से हमें इसे तैयार करके रख लेना है। अभी यहाँ आप देख सकते हो दूध हमारा उबल चुका है, अच्छे से बॉईल हो रहा है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, गैस को यहाँ पे कर देंगे हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। जब हम इसमें ये कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, कस्टर्ड पाउडर का मिल्क जो हमने अभी इसको हम ऐड करते चले जाएंगे और दूसरे हाथों से चलाते चले जाएंगे। इसमें हमें यहाँ पे रोकना नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। गैस को यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही रखे दोस्तों, बस यही ध्यान देना है। अभी 5 से 7 मिनट हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। 5 से 7 मिनट में आप देखेंगे कि ये दूध हमारा काफ़ी थिक हो जाएगा और ये अच्छे से हमारा तैयार हो जाएगा। इसी तरह से चलाते रहना है। गैस को रखना है लो टू मीडियम पर। इसमें हम कोई कलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सेम कस्टर्ड पाउडर से जो इसमें कलर आएगा सेम वो ही रखने वाले हैं। आप चाहे तो कोई कलर अगर देना चाहे तो आप इसमें कोई फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से आप देख सकते हो थिक हो चुका है, इस तरह का हमें चाहिए। मैं आपको दिखा रही हूँ इस स्पैचुला के ऊपर अच्छे से ये कोट हो जाता है। जब ये कोट होने लगे तो हमारा ये जो दूध है बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो अच्छे से जब हम उठा रहे हैं तो अच्छे से ये ऊपर से इसके ऊपर कोट हो रहा है। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से बिल्कुल 5 से 7 मिनट हो चुके हैं चलाया था और करीब आप देख सकते हो दूध की क्वांटिटी भी पहले से कम हो चुकी है। मैं बिल्कुल आपको पास से दिखा रही हूँ। और इस तरह से जब आप कोई भी आप स्पैचुला ले रहे हो तो उस पर इस तरह से कोट हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये थिक हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये और भी थिक हो जाएगा। यहाँ पर हमने गैस को बंद कर दिया है। अभी यहाँ पर हमने लिया है 1.5 कप नॉर्मल पानी, 1.5 कप पानी। इसमें अगर आपके पास कप नहीं है तो कोई आप कटोरी का मेजरमेंट कर ले,
और उसमें हमने आधा कप लिया है कॉर्नफ्लोर। इसी क्वांटिटी के हिसाब से आप बढ़ाए, अगर पानी की मात्रा आप ज़्यादा करें तो उतना ही आप कॉर्नफ्लोर डाल दें। अभी डालकर थोड़ा थोड़ा इसको चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गाँठें ना पड़े। इससे हम बनाने वाले हैं सेवैया। आप चाहे तो इसी वाइट कलर की बनाएं और या फिर इसमें थोड़ा फूड कलर ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें लेमन येलो फूड कलर ऐड करूँगी, बहुत ही प्यारा कलर लगता है वो। हल्का सा ही हम इसमें ऐड करेंगे। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल येलो हो गया है। तो इसी तरह की हमारी सेवैया बनकर तैयार होएगी। यहाँ पर हमने पैन लिया है, आप भी इसके लिए नॉन स्टिक ही पैन ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें चिपकता नहीं है। और नहीं तो आप जो मोटे तले वाली कोई आपके पास कढ़ाई हो उसका यूज करें। गैस को यहाँ पर हमने बिल्कुल मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम पर रखना है दोस्तों। हाई फ्लेम पर ये काम बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये एकदम से टाइट हो जाएगी और बिल्कुल भी आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल मैंने लो टू मीडियम पर रखा हुआ है इसे। धीरे धीरे आपको मैं दिखा रही हूँ, इतना ही रखना है गैस को। धीरे धीरे चलाते जाएंगे और आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसको इसी तरह से चलाते जाना है। अभी हल्के से ये धीरे धीरे हमारा ठीक होता चला जाएगा। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल ठीक हो रहा है। इसको हमें तब तक चलाना है जब तक ये पूरा ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे, बिल्कुल चमकने लगेगा तब तक हम इसको इसी तरह से चलाते जाएंगे। और बिल्कुल भी ये लगना नहीं चाहिए गैस को, बिल्कुल इस पूरा काम हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करना है दोस्तों। अच्छे से इस तरह से चलाते जाएंगे। आप देख सकते हो इसमें पहले से साइन अच्छी आ गई है, बिल्कुल ये पैन को छोड़ देगा तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। और इसमें जो चमक है वो तेज़ होती चली जाएगी, बिल्कुल अंदर तक पैन दिखने लगेगा तब तक हमें इसे चलाते जाना है। आप देख सकते हो कितना अच्छे से शाइनिंग आ रही है। इसी तरह से ये करीब हमारा 5 से 7 मिनट में तैयार हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो इसके अंदर अच्छे से शाइनिंग आ रही है। करीब करीब ये हमारा होने की ही प्रोसेस में है। इसी तरह से हमें इसे चलाते जाना है दोस्तों। ये जो हम ड्रिंक बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ही लाजवाब। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ जिससे आप जब बनाएं तो आपको कोई दिक्कत ना होए। अभी आप देख सकते हो इसमें कितनी चमक आने लगी है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। नीचे से हमारा ये पैन भी दिख रहा है। इसी तरह का हमें इसे को कर लेना है, ऐसे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम कर देंगे गैस को बंद। थोड़ा हमें इसे ठंडा कर लेना है, हल्का सा ही ठंडा रखना है, ज़्यादा बिल्कुल ठंडा नहीं। यहाँ पर हमने लिया है बर्फ़, बर्फ़ में पानी डाल लिया था और एक पाइपिंग बैग में डालकर हम इस तरह से अपनी सेवैया को तोड़ लेंगे। थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे सेवैया बिल्कुल तैयार हो जाएगी। हल्के से पाइपिंग बैग में जब आप इसको ऐड करें तो थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, बिल्कुल आप इसको ठंडा मत होने देना। और तभी आप इसको इस तरह से ये सारी सेवैया तोड़ लेना। अभी जो बचा हुआ पेस्ट है उसको भी हम डालकर सारी को इस तरह से ही तोड़ लेंगे। और करीब इसको बनने के बाद 4 से 5 मिनट आपको ऐसे ही छोड़ देना है, उसके बाद हम इसको छलनी में छान लेंगे। तब तक ये बिल्कुल अच्छे से हमारी सेट हो जाएगी। बिल्कुल हल्के से बिल्कुल ठंडा पानी लेना है। यहाँ पर मैंने बर्फ़ में ही हल्का सा पानी डाला था दोस्तों, उसमें ये सेवैया बनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। अभी 5 से 7 मिनट हम इसको ऐसे छोड़ेंगे और फिर एक छलनी में हम इसे छान लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा हम निकाल देंगे। यहाँ पर हमने इसको
सेट होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर हमने छान लिया है। अभी हमारी सेवैया हो चुकी है तैयार दोस्तों। अभी थोड़ा इसको छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। थोड़ा जो पानी एक्स्ट्रा था वो निकल चुका है। अभी अच्छे से सेट हो चुकी है। यहाँ पर हम दूध में इसको ऐड कर देंगे, जो हमारा कस्टर्ड पाउडर का दूध है, और इसी में हम डालेंगे टूटी फ्रूटी। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और काफ़ी टेस्टी ये हमारा डेजर्ट लगता है। स्वीट डेजर्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। हल्के हाथों से इनको मिक्स कर देंगे। वाओ, आप देख सकते हो कितना क्रीमी टेक्सचर आया है, बहुत ही बेहतरीन लगता है दोस्तों इस तरह से। वाओ, खाने में तो कमाल ही लगता है जब आप इसको थोड़ा ठंडा करके खाएंगे, या फिर आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। अभी हम आपको सर्व करके दिखा देते हैं। वाओ, आप देख सकते हो कितना क्रीमी टेक्सचर आया हुआ है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन लगती है ये डिश। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, और पसंद आए तो प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट देना ना भूलिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी को वन बाय वन करके हम सर्व कर लेंगे, और थोड़ा सा गार्निश के लिए भी मैंने टूटी फूटी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, उनको हम ऐड कर देंगे ऊपर से। और जब आप इसको सर्व करेंगे, अगर आपके घर में गेस्ट आए, और घर में बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन बनता है। दो हमने कांच की बाउल ली है, 2 ग्लास में डाल लेंगे। आप देख सकते हो कितना क्रीमी टेक्सचर आया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है दोस्तों। वाओ, सभी को हम इसमें डाल लेंगे। करीब 1 किलो दूध में हमारा 2 ग्लास और 2 कटोरी बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पर हमने ऊपर टूटी फूटी डाल दी है गार्निश के लिए। इसमें भी हम डाल देंगे टूटी फूटी, और थोड़े से डालेंगे इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स। हमने काजू बादाम को हल्का सा क्रश कर लिया था, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर तो आएगा ही आएगा, टेस्ट भी इसका चौगुना बढ़ जाता है। 5 से 7 मिनट इसको रख ले फ्रिज में, और तब सर्व करें, बहुत ही बेहतरीन लगता है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।